अगला टॉपिक देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल। सेक्टर और सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है ना। सेक्टर क्या होगा और सेगमेंट क्या होगा, उसका एरिया पता होना चाहिए आपको, मतलब उसका पता होना चाहिए सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। तो ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल पे किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन कोर्ड कहलाती है। तो एक कोर्ड के कारण सर्कल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स। सेगमेंट्स, एक कोर्ड के कारण सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तब देखो, एक तो ये पार्ट हो गया और एक ये हो गया, आया ना, ठीक है। तो ये सेगमेंट्स कहलाएंगे, जो बड़ा है वो मेजर और जो छोटा है वो माइनर। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, शक्ल देख के ही पता चल जाएगा। डायमीटर अगर है तो डायमीटर भी देखो, एक कोर्ड होती है, होती है या नहीं, सेंटर से पास होने वाली। तो डायमीटर के कारण जो दो सेगमेंट बनेंगे वो दोनों सेम होंगे और उनको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे उनको, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बोलते हैं, हाँ या ना, इतना पता है, ठीक है। दूसरा आ गया सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर और बताता हूं। ये सर्कल है ना, ये सेंटर हो गया इसका। दो रेडियस अगर मैं मिलाता हूं सर्कमफेरेंस पे सेंटर से, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ये जो एरिया निकल के आया इसको बोलेंगे हम सेक्टर, ठीक है। छोटा है वो माइनर, बड़ा है वो मेजर, तो ये मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब देखो ऐसा है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको एंगल गिवन होगा या कोई ऐसा तरीका गिवन होगा जिससे कि आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकें। सपोज इसका, इस सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर और ये एंगल है 60 डिग्री, एक सिंपल सिचुएशन मान लीजिए, ठीक है। तो इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ओ बी अगर 2 सेंटीमीटर है, ओ ए बी 2 रेडियस है, रेडियस सर्कल में सेम रहेगा, ठीक है, रेडियस सर्कल में सेम रहेगा। तो जितना ओ बी है उतना ही ओ ए, और कितना ही ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई कुछ बनाओ, रेडियस है तो सर्कल में सेम रहेगा हमेशा, ठीक है। सर्कल की डेफिनेशन ये है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे जब आप मूव करते हो तो सर्कल बनता है, और वो फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है, आपका रेडियस है, तो रेडियस सेम रहेगा, ठीक है। चलिए, सो ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये 2 हो गया, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 पाई। चलो 4 पाई, पाई की वैल्यू नहीं रख रहा मैं अभी, ठीक है, 4 पाई ये वैल्यू आ गई आपके पास, एरिया की वैल्यू आ गई। अब मुझे तो सिर्फ इस सेक्टर का एरिया चाहिए, तो वो कैसे निकालूं। ये एरिया जो आया है 4 पाई, ये इस पूरे सर्कल का है और उसमें एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का एरिया कितना है, 4 पाई। अगर 1 डिग्री एंगल होगा तो एरिया कितना होगा, 4 पाई बाय 360 डिग्री, हाँ या ना। इसमें डाउट किसी को, कर सकते हो ये रिलेशन, बना सकते हो, नहीं बना सकते, यूनिटरी मेथड है ये। दोबारा बताता हूं, देखिए इस पूरे सर्कल का एरिया है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट जरूर लिख देना, ओके। ये पूरा सर्कल सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री एंगल जब बन रहा है तो एरिया है 4 पाई। 1 डिग्री एंगल बनेगा तो एरिया कितना होगा, 4 पाई बाय 360, डिवाइड कर दूंगा भाई मैं उसका, मतलब 5 रुपए की 20 टॉफी आई, तो 1 रुपए कितनी टॉफी आएंगी, 20 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे तो करूंगा, ठीक है। तो 360 डिग्री का एरिया 4 पाई आया, तो 1 डिग्री का एरिया कितना होगा, 4 पाई बाय 360। इस 60 का रोल अभी बताता हूं ना, अब ये एरिया निकालना है, यहां एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो 1 डिग्री में अगर इतना एरिया कवर हो रहा है तो 60 डिग्री में कितना एरिया कवर होगा, तो 4 पाई अपॉन 360, 1 डिग्री में जो एरिया आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 60,
ठीक है, तो 60 डिग्री में इतना एरिया कवर होगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 टाइम्स जाएगा तो 4/6 इंटू पाई, 4/6 यानी 2/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू रख दीजिए, एरिया कैलकुलेट हो गया, सेक्टर का एरिया आ जाएगा ऐसे। ठीक है, मेजर का टोटल में से घटा दो सेक्टर का इसका, या तो टोटल में से ये वाला जो निकाला आपने ये घटा दीजिए, हाँ टोटल 4π है एरिया, 2/3π ये आ गया इस सेक्टर का एरिया, तो इस माइनर सेक्टर का, तो मेजर सेक्टर का कितना हो गया, 4π - 2/3π, पाई कॉमन है 4 - 2/3, और इसका एलसीएम ले लीजिए, पाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 - 2/3, सो पाई 10/3, तो ये बचा हुआ जो मेजर सेक्टर है इसका 10/3π। ठीक है, हो सकता है ऐसा आ जाएगा, तो ये तो सेक्टर का एरिया हो गया। सेगमेंट का कैसे निकालेंगे, तो सेगमेंट का देखिए कैसे निकालेंगे, इसी में इसी क्वेश्चन में बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए और उसके लिए आपको जो रिलेशन है वो गिवन होगा, ठीक है। सेगमेंट कैसे बनेगा देखिए, ए और बी को अगर मैं मिला दूं तो कॉर्ड बन जाएगी, तो ये सेगमेंट बन गया, ये माइनर सेगमेंट है ना, सेगमेंट हो गया ये। अब इस पूरे सेक्टर का एरिया आप निकाल चुके हो, अगर उसमें से ट्रायंगल निकल जाए तो भाई मुझे ये सेगमेंट का एरिया निकालना है, इस सेक्टर का एरिया मैं निकाल चुका हूं, कितना आया 2/3π, उसमें से अगर ये ट्रायंगल निकल जाए तो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ओ ए बी इज ए ट्रायंगल। रुको रुको रुको, एक एक करके बताओ ना, ऐसे थोड़ी पता चलेगा मेरे को, बार वाले को बार वाले का टोटल है, टोटल बार वाला ये इसका रोल ही नहीं है अभी, इसका रोल ही नहीं है, मुझे तो ये सेगमेंट पता करना है ना, टू बाई थ्री पाई था, 2/3π था इस पूरे सेक्टर का एरिया, हाँ उसमें से ये ट्राइंगल जो है ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा, सेगमेंट। तुम क्या कह रहे थे रवि, यही बता रहे थे, ठीक है।